यूट्यूब चैनल सी फाइव के समूह दर्शकों का अतिंद्रपाल सिंह स्वागत करता। अज का साडा विचार का विशा बड़ा गंभीर है। हमेशा ही असी दिल नूं टुंबन वाले, दिमाग नूं टुंबन वाले अते मनुखता ते आधारित विशा नूं लैके आउंदे हाँ। तुहाडे विच मैं हमेशा हाजिर हुंदा। अज का विशा साडा स्पष्ट अते सीधा है कि भारत विच सिखां प्रति नफरत की भावना कदों तो पैदा हुई, किने कीती अते उस दी इंतहा कदों किथे पहुंची ते वर्तमान स्थिति उसकी की है। इस ते असी गंभीर विच चर्चा करांगे और बड़े गंभीरता नाल चर्चा करन दा विशा है, क्योंकि भारत अंदर मनुखता दे तौर ते सिखां नूं परवान ही नहीं कीता जा रहा। हालांकि सिख भारत दे नागरिक बन चुके हैं, स्वै इच्छा नाल बने हैं, उस विच्चों भी भारतीयां ने कदे भी स्वै इच्छा नाल सिखां नूं अपना बराबर दा नागरिक नहीं समझिया, ना बनाया, ना ही उन्हां नूं बराबर दा मान अते सन्मान दिता। इस दियां वजूहात की हैं, इस दियां असल कारण की हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी दियां जिहड़ियां असी सीरीज चाड़ी है, उस विच दास ने सरदार कुलबीर सिंह जी नाल तुहाडे नाल चर्चा करदे हुए दस्या सी कि पंजाब विच 1849 तो बाद बिहारियां, पूर्बियां अते बाकी भारतीयां दी फौज राही सिखां दा पिंड पद्धर ते नसलकात कीता गया। ठीक उवें ही मैं नाल नाल जोड़ के तुहानूं समझाना चाहुंदा, जिवें जून 84 विच ऑपरेशन सर्च वेले मिलिट्री नूं कम्युनिस्टां ने अते RSS दे ते कट्टरपंथी हिंदुत्वां ने पिछे रह के निशानदेही की सी कि ए कर अमृतधारी सिखां दे ने, कट्टर सिख ने, ते उन्हां दे बच्चियां नूं फिरनियां विच और सारे टब्बरां नूं पूरे पिंडां नूं फिरनियां विच इकट्ठा किया गया सी। ते फिरनी च इकट्ठा, पिंड दी फिरनी च इकट्ठा करन तो बाद नौजवान एक लाइन विच खड़े करके जिन्हां ने गात्रे पाए हुए सी या पीले परने बन्ने हुए सन, उन्हां नूं एक पासे ले जा के पूरे पिंड दे सामने गोलियां मार दित्तियां गईयां सन, जिस दी गवाही अज भी लोग इन्ने सहमे हुए हन कि पंजाब विच कोई गवाही नहीं देंदा। खालड़ा साहब खुद शहीद हो गए, शहीदां नूं लभदे लभदे, पर गवाहियां नहीं दित्तियां किसे ने भी। यह माहौल वर्तमान तक बनिया होया, जिस लई दास ने यह कहा सी कि सिख कौम बहुत ज़्यादा डर, भय अते डिप्रैशन च है, ते सिखां नूं इस वेले साइकालोजिस्ट डॉक्टर चाहिए ने जेड़े के विशेष तौर ते मैं तुहाडे नाल जिक्र कर रहा। DRCP एक टर्म है साइकालोजी विच, उस विचों कढ़न की लोड़ है। इस टर्म की भी मैं तुहाडे नाल गल करांगा। यह मैं वर्तमान गल कीती सी। अजिहा ही सारा कुछ 1849 तो बाद अंग्रेज़ां ने कीता सी। वो पहली बार होया सी जून 84 च, दूजी बार होया अंग्रेज़ां ने जिन्हें भी महाराजा रणजीत सिंह जी दे नाल सोल्जर सी, सिपाही सी, जिन्हां ने हथियार सुट्टन तो ते ईन मन्नन तो मना कर दिता सी, ते उन्हां ने कहा सी असी अपनी सिख सॉवरनिटी लई, सरकारे खालसा नूं पुनर सुरजीत करन लई हमेशा कायम दायम रहांगे, साडी जान जाए ता जाए, साडे विचों सिखी सिदक नहीं जा सकदा, पंथ अते गुरु ग्रंथ साहिब नहीं जा सकदा। उन्हां सारिआं दा कतलोगारत इसे ही पैटर्न ते अंग्रेज़ां ने फिरनियां विच इकट्ठे करके उन्हां सारे सिपाहियां नूं, अमृतधारी सिखां नूं पूर्बियां तों कतल करवाया सी।
यह एक हिस्टोरिक फैक्ट है। अंग्रेजों की उस पॉलिसी नूं ही फिर भारतीय मिलटरी ने जून 84 च लागू किया सी। ना सिख उदों मुका पाए सन, ना सिख जून 84 तो बाद मुका पाए सन। भारतीयों इच जड़ी सिखां प्रति नफरत की भावना पैदा की गई, क्योंकि वह सारे पूर्वीए सन और वो सारे बाकी दे भारत तो आए हुए हिंदू फौजी सन, जिन्हां तो अंग्रेजां ने सिखां दा कतले आम करवाया। उन्हां दे मन च यही बिठाया गया सी कि यह तुहाडे दुश्मन ने। वो दुश्मनी सिखां दे प्रति पूर्बियां दे मनाई च जीन बाई जीन जा रही है। तो इस दुश्मनी का जिहड़ा मुढ़ सी, वो मुढ़ ब्राह्मण ने ते पंडित ने बीजा सी। वो मुढ़ बीजा गया सी गुरु नानक पातशाह जी दे जनेऊ पान तो पहला, जिहड़ा भद्दन किया जाता। मैं वीडियो इच भी कह चुका, मैं पुस्तक इच भी लिख चुका, पंजाब इच कदे किसी ने भद्दन की गल नहीं की। जनेऊ पहनन की इतिहासकार गल करते आए ने, जनेऊ पहनन तो पहला एक रसम होंदी है भद्दन की। भद्दन का रसम हिंदू धर्म मनुस्मृति है कि तुहाडा मुंडन संस्कार किया जाएगा तो एक बोधी छड़ी जाएगी। वो मुंडन संस्कार तो बाद जड़ी बोधी छड़ी जाती है तो उन्होंने एक जड़ी गंढ मारी जाती है, वो हैगी है कि अज तो तुहाडा भद्दन हो गया तो तुसी ब्राह्मण की गुलामी हेठां आ गए। गुरु नानक पातशाह जी ने अपना भद्दन करवाउण तो इनकार कर दिता सी। बाल गुरु सी, पूरा सुचेत सी, उन्होंने कहता मैं भद्दन नहीं करवाउणा। भद्दन की रसम तो बाद जनेऊ की रसम होंदी है, हालांकि जब उन्होंने भद्दन करवाया ही नहीं तो फिर उन्होंने जनेऊ की रसम हो ही नहीं सी सकती। पर फिर भी ब्राह्मण ने, क्योंकि पंडिता ने अपने अंदर लियाना सी, इसलिए वो खुल दे के कह दिता जी चलो सीधा बाल नानक नू जनेऊ पहना देंगे। तो गुरु नानक पातशाह जी ने जनेऊ पहनन तो भी इनकार कर दिता, पांदे नू ही उन्होंने सिक्ख्या दे दिती। यह तीन मुढ़लियां घटनावां ने जिथों ब्राह्मण ने गुरु नानक नू अपना दुश्मन समझ गरदान अते घोषित कर दिता। यह सिख धर्म नाल नफरत अते दुश्मनी दी हिंदू समाज नाल ब्राह्मण समाज नाल जिहड़ी जंग चल रही है, यह गुरु नानक पातशाह जी तो चल रही है। जिस दा सब तो वड्डा फैक्टर है जे कि चंदू ने भी गंगू ने भी बदले ले, लखपत राय ने भी बदले ले, अते दरबार साहब की महत्ता नूं घटाउण वास्ते 1747 विच लखपत राय ने श्री अमृतसर विच दरबार साहब तो लगभग 7 किलोमीटर दूर उवें ही एक सरोवर बनवा के बाल्मीकि दा मंदिर बनवाया। असी इतिहासिक इतिहासकार भी यह गल्लां तुहानूं दस नहीं रहे, पता नहीं क्यों कथावाचक भी नहीं दसते। मैं हुण देख रहा बड़े मशहूर कथावाचक, जदों असी साहिब तो बाबा नानक जी की गल की अते उन्हां नाल जिहड़ा यात्री गया उस दी गल की, तो उस तो बाद साडे एक प्रसिद्ध कथावाचक जड़े हुण बहुत मन्ने परमन्ने अमरीका ही जाके वस भी गए ने, कहन लग गए कि यह गल मैं इन्नी पहला ब्रिटेन च की सी, मेरी वो वीडियो पई है तुसी देखो जी। पर उहदी सहाय तो बाबा नानक दी गल नहीं है, फेरी दी गल है, वो तो बड़ी पहला तो पता। चलो मैं उन्हां गल्लां नहीं पैना चाहुंदा, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा पैरेलल नाल दे नाल असी समझदे होए चलीए, अपना नैरेटिव तय करिए कि साडे नाल होया की है ते क्यों हो रहा। लखपत राय ने मंदिर बनवाया बाल्मीकि दा, जिन्हों यह कही जाते हैं भगवान बाल्मीकि दा मंदिर हजारां सौ साल पहलां दा बनया होया, बिल्कुल गलत है। 1747 च उन्हें बनाया,
ते अकाल पुरख ने दरबार साहब की हद तक स्वीकार नहीं की। 1748 वो मर गया। जिस हालत मरिया वो भी तुहानू पता होना चाहिए। उस तो बाद बहुत कुछ होया पंजाब 22 धार के राजे सारे कह देंदे ने, पर 22 धार के राजिया नाल कोई यह नहीं कहता भी अतिंदरपाल सिंह ने तुहाडे इस यूट्यूब चैनल तो ते इस तो पहला वाले अपने यूट्यूब चैनल अते अपनी वैबसाइट तो तुहानू दसना शुरू किया सी। ते 22 धार के राजिया के नाम ही दसे सी कि कल्ला 22 धार के राजे या पहाड़ी राजे ना क्या करो, वो 22 धार के हिंदू ब्राह्मण पहाड़ी राजे सी। साडा संघ क्यों सुक जांदा, मैं सारे कथावाचकों नूं पुछना चाहुंदा क्यों बई तुहाडा संघ सुक जांदा उन्हां नूं इह कहिंदे होए कि ब्राह्मण हिंदू पहाड़ी राजिया ने वतन श्री आनंदपुर साहब ते अटैक किए ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं वतन छड्डन लई मजबूर कराउण वास्ते आप रिक्वेस्ट करके औरंगजेब की फौज नूं बुलाया, सरहंद सूबेदार की फौज नूं पैसे दे के बुलाया, पाले ते बुलाया। एने ब्राह्मणा दे साडे नाल मनुस्मृति वाले हिंदुआं दे सिख कौम नाल नफरत अते दुश्मनी दे कुछ चैप्टर, कुछ उदाहरण, कुछ इतिहासक प्रमाण। इस तो अगे लंघ आते हैं। इस तो बाद माता सुंदरी जी नूं, बाबा दीप सिंह जी नूं, भाई मनी सिंह जी नूं, इन्ना ही ब्राह्मणा ने मुगल सम्राट दे अधीन लिया। हमेशा याद रखो, तुहानू पता होना चाहिए, अकबर दी सुलह कुल नीति दे तहत जेड़ा उन्हें अपना धर्म नवा चलाया सी, उस धर्म दे विच उसकी यह पॉलिसी सी कि हिंदुआं दियां कुड़ियां राजियां रजवाड़ियां दियां कुड़ियां मुगल राजे रजवाड़ियां ते शासकां नाल व्याहियां जान ते मुसलमानां दियां धीआं अमीर अते शासक हिंदुआं नाल व्याहियां जान तां जो जिहड़ा उसका दीने इलाही धर्म सी उसकी पैड़ अगे तुर सके। इतिहास तुहानू सीधे तौर पर आ लफ़्ज़ कहन लग्या सारे डरते ने, मैं तुहाडे नाल कुछ सीधियां गल्लां करना चाह रहा क्योंकि आ सीधियां गल्लां जब तक तुसीं नहीं समझोगे उदों तक असी अपने वजूद नूं किवें संभालना इस नूं असी कदे सोच ही नहीं सकांगे, समझ ही नहीं सकांगे। अकबर दे दीने इलाही धर्म दा यह मुढ़ सी। अकबर ने अपने इस दीने इलाही धर्म तो भारत विच एक नवी नसल नूं जन्म दिता सी, वह दोगली नसल है। वही दोगली नसल अज तक जी रही है। मैं ज़्यादा होर इतिहासक प्रमाण ना देंदे हुए सीधा फिर 1849 ते आ जाना जिस तो मैं गल शुरू की सी। उस तो बाद 1849 जो अंग्रेज़ां ने पूर्बियां ते बाकी हिंदुत्वा कोलो करवाया वो मैं तुहानू दस चुका। उस तो बाद एक नवी पॉलिसी बनाई गई जदों सारी नौजवानी कतल कर दिती गई, सिखां दा कतलेआम कर दिता गया, पर सिख नहीं हारे, रिवोल्ट चलिया, महाराजा महाराज सिंह जी की अगवाई च भी चलिया, होर भी बड़े रिवोल्ट चले, वो उस तो परेशान हो गए। इस इतना परेशान होए कि फिर उन्होंने बकायदा ऐस ते सर्वे करवाया कि सिखां नूं कंट्रोल करन लई की कीता जाए। ते फिर सर्वे च एक गल उन्होंने समझी, क्राउन नूं दसी गई। और मैं तुहानूं इह वी दसदा कि 1849 तो बाद सीधी क्राउन आ गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर कढ दित्ती गई। इसे लई कढ दित्ती गई क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सिखां नूं कंट्रोल नहीं सी कर सकी, पूर्बियां दे हिंदुत्वां दे सहयोग नाल भी कंट्रोल नहीं सी कर सकी। तां ही
1857 का गदर हुंदा। बड़े सवाल चुक दिते जांदे ने कि गदर विच सिखां ने पार्टिसिपेशन नहीं कीता, वी गलत है। सिखां ने भी उस वेले अपनी पंजाब की आजादी लई, देश पंजाब लई अंदर संघर्ष किया। इस ते मैं एक अद्ध वीडियो बना दांगा। पर बार बाकी हिंदुत्व भारतीयों का और उन्हां मुगलों का सिख किवें साथ दे सकते सी जिन्हां ने 1849 का सरकारे खालसा का राज खत्म करवा के 8 साल के बाल दलीप सिंह नूं राजगद्दी ना देंदे होए, उन्हूं भी तो राजगद्दी दिती जा सकती सी। कई हिंदुओं नूं, कई रजवाड़ियों नूं, कई राजपूताना दे बालां नूं गद्दियां दित्तियां गईयां ने ते सरबरा नियुक्त किए गए ने, पर सिखां नाल अजिहा नहीं किया गया। सिखां ने इसे कतलोगारत जिहड़ी उन्होंने अपनी नस्ल कुशी सही सी उस करके बाकी भारतीयों का साथ नहीं दिता। पर पंजाब दे अंदर अपना देश आजाद कराउन लई उन्होंने विद्रोह किया जिहड़ा दब लिया गया। उस तो बाद फिर बाबा राम सिंह जी ने विद्रोह किया। इस कदर सफल विद्रोह किया कि पैरेलल सरकार बना ली, पैरेलल डाक बना ली, संचार व्यवस्था अपनी बना ली, पैरेलल अपनी करंसी बना ली, पैरेलल अपनी आर्थिकता बना ली, ते सरकार दा मुकम्मल तौर ते बहिष्कार करके उन्होंने सिखां नू अपनी नानकशाही व्यवस्था इच तुरन दा प्रबंध कर दिता। उन्हां नाल भी फिर अंग्रेज़ां ने एक बंदा जोड़ दिता, DSP, जिस नूं विश्वास पात्र बना के उन्हां नूं रंगून दी जलावतनी च भेज दिता। उसका भी इंज अंत होया। उस तो बाद आया जे फिर सीधा इसी आईए 1947 विच। 1947 तो पहला अंग्रेज़ां नूं यह पता सी कि सिखां ने अपना हर कीमत विच सरकारे खालसा जिहड़ी असी उन्हां तो खोही है ते जिहड़े उन्हां दे असी बाल महाराजा दलीप सिंह नूं जबरदस्ती ईसाई बनाया, जबरदस्ती ईसाई बनाया सी उहदे केस कतल करके, जिहड़ा उन्हूं जबरदस्ती ईसाई बनाया। सिखां ने जदों भी अंग्रेज़ां ने भारत नूं छड्डण दी घोषणा कीती, सिखां ने अपनी स्टेट मंगनी है। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਈਟਨਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਗਾਵਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਇਦਾ 2 ਆਨੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ
ते श्री सिखां दी श्री साहब जमा कराने वास्ते अंग्रेज़ां ने एक आना इनाम दिता सी, विद्या दा, गुरमुखी दा ते गुरमत प्रणाली दा तुसी प्रभाव ते वजूद अते अहमियत समझो। एहसास करन वालियां गल्लां ने, सुनन वालियां घट जे। श्री साहब जमा कराने लई आना इनाम सी, कायदा ते गुरमुखी दी कोई किताब के इन्हां नूं विद्यक तौर ते सिफर कर देना है, इन्हां दी बौद्धिकता खत्म कर देनी है, गुरमत प्रणाली इन्हां दी बौद्धिकता जिहड़ी आ गई है नानक शाही प्रणाली उसका बीज नाश कर देना है, ते बीज नाश इस कदर कर देना है कि यह अपंग बना दिते जान दिमाग तो, ते दो आने इनाम दिता गया। लैटनर ने पूरी इस चीज़ ते अपनी किताब ते स्टडी की है, लिखा भी है, ते वो बाद इच क्राउन नू एक पत्र लिखता कि जेड़ी तुसी मैनू जिम्मेवारी दिती सी मैं वो जिम्मेवारी निभा दिती है, ते अज सिखां विच कोई भी गुरद्वारे च गुरबाणी नहीं पढ़ता, गुरमत नहीं जानता, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ नहीं लग्या होया, अते हर कीमत विच अज सिख दिमागी तौर पर अपंग हो चुका है। लैटनर नू पंजाब यूनिवर्सिटी का VC भी लाया गया, बड़े वड्डे वड्डे अहुदे उसनू इसे लई दिते गए। इस तो बाद फिर अंग्रेज़ां ने एक पॉलिसी होर कड़ी जिस विच, क्योंकि यह भी लैटनर की पॉलिसी तो अगे चली, उस विच क्राउन नू ते अंग्रेज़ हकूमत नू समझाया गया कि सिखां नू धार्मिक तौर पर वंड दिओ, विखरेवें पैदा कर दिओ इन्हां विच, तां जो कदे भी यह एक होकर गल ना कर सकन। उत्थों सिखां विच संत समाज की नींह धरी गई, जिन्हें भी मुढ़ले संत आए जे सारे अंग्रेज़ां दे पिट्ठू अंग्रेज़ां दे सिपाही सी, कोई होलदार लेवल का भी नहीं सजे हैगा, कोई स्टार लेवल का भी नहीं सी हैगा, सारे अपने सिपाहियां नू अंग्रेज़ां ने संत बनाया। मैं इस ते भी अपना एक आर्टिकल अज तो 12 साल पहला लिख चुका अपनी किताब सिख सभ्यता दे मूल आधार विच, उन्हां दियां फोटोआं भी दे चुका, 12 साल पहला छपी सी वो किताब, उदों किसी ने भी गौर नहीं किया क्योंकि अतिंद्रपाल सिंह नू तां सारे उदों गद्दार ही कहिंदे सन, अज भी मानदे हन। मैं ते मेरा परिवार गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ लई जी रहा ते अंतम स्वास तक जिएगा। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ लई साडा सब कुछ नेछावर है, अव्वल गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ है, मैं मरा मेरा टब्बर मरे पंथ जिए दी भावना ते असी चल रहे हैं। उस वेले फिर अंग्रेज़ां ने ऐ संत समाज पैदा किया, किवें किया ना तुसी आप जानते हो, समझ आया जे। एक संत प्रगट किया, वो ड्यूटी भी दे रहा जी, तो बॉर्डर ते ड्यूटी दे रहा, तो इत्थे गुरद्वारा साहब विच बाबा जी जी समाधि च भी बैठे सन, हाजरी उत्थे भी लवाई गई, हाजरी इत्थे भी लवाई गई। अज तक भारतीय फौज विच, मैं तुहानू दस देना चाहुंदा, अज तक भारतीय फौज विच अजिहे ही एक छलेडे संत दी हाजरी वर्तमान तक लगती पई जे, उहदी तनखाह भी दित्ती जांदी है और उहनू अज तक जीवत भी रख्या होया जे। अंग्रेज़ां दी पॉलिसी ते ही भारतीय मिलिट्री चल रही है, मैं नाल नाल तुहानू दसी जा रहा। जिन्ना कुछ भी मैं बोलदा अपने जीवन नू खतरे च पा के बोलदा, परिवार के जीवन नू भी हमेशा मैं खतरे च पा के बोलदा, क्योंकि असी पंथ नू जागृत अते जीवत करना चाहते हैं। यह संत समाज 1849 तक कोई भी संत तुहानू नहीं मिलेगा, बाबा बेदी मिलेगा पर वह संत नहीं सी, उहनू कहा जाता सी कि यह गुरु नानक दी वंश विचों है, उन्हों पुरोहित कहा जाता सी, राज पुरोहित। यह गल समझ लिया जे, संत अंग्रेज़ां ने पैदा किए, जदों उन्होंने देखा कि आ संत ईश्वर सिंह भी आ गए आ, संत फलाने सिंह भी आ गए आ, संत टिंगाने सिंह भी आ गए,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥਿਓਸੋਫੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਿਓਸੋਫੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਤਿਵਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਬਈ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਬਈ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਐਂਗਲੋ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਥਿਓਸੋਫੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪਈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦਯਾਨੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਅਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਦਯਾਨੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗੀਤਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰਮਾਇਣ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, RSS ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਭ ਲਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗੇਸਟ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਯਾਨੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ? ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਯਾਨੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਲੀਨ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜੀਂਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਿਓਸੋਫੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਹੁਣ 553 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 1873 ਵਿੱਚ। ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥਿਓਸੋਫੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
बाद ही चांदी है। तो यह किया जा सकता फिर कि आर्य समाज ते सिंह सभा ने मिलजुल के थियोसोफिकल सोसाइटी नाल यह काम किया। इन्हां ने सिखां दी मनोबिरती विचों, सिखां दी जमीर विचों, सिखां दी बुद्धि विचों, अचेत मन विचों राज करन दा संकल्प अते अपने सरकारे खालसा नू वापस लैन दा संकल्प ते सिख बादशाह पातशाह हैगा सावरन हैगा ए संकल्प मुढ़ कदीम तो कढ़ दिता, गुरु ग्रंथ साहिब जी तो तोड़ दिता ते आ प्रचार कीता कि सिखां नू सिर्फ ते सिर्फ भगती ते मुक्ति दे मार्ग वल पाया गया है, राज लैना सिखां दा संकल्प नहीं है। इसे लई गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ही भुल्लड़ गुरु आख्या गया, गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं ही आख्या गया, अर गुरु अर्जन पातशाह जी नूं ही आख्या गया। मैं पुठे कर्म ही चल रहा ते गुरु हरगोबिंद पातशाह एले भी कहा गया, उस तो पहला फिर गुरु नानक पातशाह जी नूं ही कहा गया। आ एक लड़ी चली जे इस लड़ी नूं सिखां दी शरीरक नसल कात दे नाल नाल सिखां दे बौद्धिक नसल कात दे तौर ते देखिया परखिया रिसर्च कीती जानी चाहीदी है। ते बौद्धिक नसल कात तो बाद सिखां दे नैरेटिव, सिखां दी गुरमत नालों विथ अते सिखां दा गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं शब्द गुरु नूं छड के सिर्फ मूर्ति पूजा दे तौर ते पूजक बना देन वाले पासे तक सिख कौम नूं लिया के खड़ा कर दिता गया। एहो बेसिक वजाहत सन जिस करके कि जिस वेले अंग्रेज जा रहे सन उस वेले सिख लीडरशिप इस सिंह सभा दी अमृतसर वाली प्रभाव हेठां, आर्य समाजियां दे प्रभाव हेठां, थियोसोफिकल सोसाइटी दे प्रभाव हेठां अते इन्हां दी अंदरूनी घुसपैठ करके हर सिख लीडर दी दिमाग विच यही जो कुछ भी पाते सन तो पाते सन, जिस करके सिख समझते आम पब्लिक समझ भी रही सी, उस सिख पापूलेशन भी समझ रही सी, जिस करके उन्होंने अपंगता करके इस बौद्धिक अपंगता करके इस नैरेटिव दे बीज नाश करके इस पातशाही दी सुतंत्र जमीर अते रूह दी आवाज़ नू कतल करवा लैन करके सिख अंग्रेजां तों 1849 वाला अपना सरकारे खालसा दा राज नहीं मंग सके। किते भी कोई ए प्रमाण नहीं जे मिलदा, जद के महाराजा दलीप सिंह उदो बालग हो चुका सी ते बालगी तो बाद ट्रीटी यही सी कि जदों महाराजा दलीप सिंह बालग हो जाएगा उसनों उसका सरकार एक खालसा दा राज सौंप दिता जाएगा। ना किसे मंगया, ना किसे दावा कीता, ना महाराजा दलीप सिंह नू वापस बुलाया, ना उन्हों खालसा पंथ ही शामिल कीता। अज दे एपीसोड तक इतना। सैकेंड एपीसोड इच भारत विच नफरत दियां की भावनावां ने ए मैं तुहानू दस्या किवें घर कराईयां गईयां। अगले एपीसोड इच तुहाडे नाल जिक्र करांगा कि उन्हां दा असर की है, किवें है, किस हद तक है ते ओह किहड़ी शिखरता तक पहुँचिया होया है। जिहड़े सारे कहिंदे ने सिखां नूं भरातरी भाव रखना चाहिदा, समाजवाद रखना चाहिदा, लिबरलाइजेशन रखनी चाहिदी है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर चलना चाहिदा, उन्हां सारयां लई एपीसोड मैं समर्पित कर रहा। इस आखिरी गल नाल समर्पित कर रहा जिस ते भी अज तक सिख हिस्टोरीयन ने रिसर्च नहीं कीती। मैं जिन्ने टॉपिक देना वो सारे ही नवे ने, नवी रिसर्च कर वास्ते ने ते नवी रिसर्च नू टुंबन वास्ते ने। तुहाडियां जिहड़ियां गुलाम यूनिवर्सिटियां ने इन्हां ने कुछ नहीं जे करना, सिखां नू सुतंत्र तौर ते अपने ही
बौद्धिक बच्चे पैदा करने पैने ने। मैं बार बार किया मेरी उस चीज़ में कई ने बुरा भी मनाया सी, मैं फिर इस वीडियो कह रहा यह बौद्धिक अपंगता तो निकलन वास्ते जेड़े जहीन सिख ने चाहे बीबिया ने ते चाहे मर्द ने, जहीन सिखां दे वीरज अते अंडकोश नू संभालन वाला एक बैंक सिखां नू बनाउना चाहिदा है। क्योंकि हुण जेड़ी सिखां इच ना मर्दगी ते बांझपन आ गया है, वो इस जहीन सिखां विच्चों सैल लैके यह गल्लां सानू परिवार विच करनियां पैनियां ने। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी पंजाब विच 32% तक जम्मन लग गए जे, वो सारे प्रवासियां दे अते पूर्वियां दे ही जम्मदे जे। इसलिए तुहानू सुचेत करदा कि जहीन सिखां दे बौद्धिक दिमाग रखण वाले अपनी आत धड़िया नाल जुड़िया होया वाले नहीं, बौद्धिकता दे शिखर ते पहुंचे हुए सिखां दे वीरज नू संभालिया जाना चाहिदा, अंडकोश नू संभालिया जाना चाहिदा। ते उथो टेस्ट ट्यूब बेबीज अज सिखां नू लैने पैने ने, जे सिख कौम नू दोबारा बौद्धिक अपंगता चों तुसी बाहर कढ़ना है। सब तो वड्डी मिसाल बौद्धिक अपंगता दी दे के वापस कर रहा, वीडियो समाप्त करांगा कि जिस वेले दलीप सिंह जी 8 साल दे सी, ट्रिटी हो रही सी, उस वेले महारानी जिंदा ता बालक सी। गल नू मेरी नू समझ लिया जे, इतिहासकार चुप रहिंदे ने। जे महारानी जिंदा बालक सी ते सिख राज दी महारानी नू क्यों ना बनाया गया, इस ते विचार करिया जे, कोख्या जे, अपने पीड़े हेठा सोटिया सोटे फेरिया जे, और बड़ी निर्दयता निरपक्षता निरपैता नाल आप ही ने गिरेबान में सिर नीवा कर देख दी गुरबाणी दी इस पंक्ति अनुसार अपना आत्म विश्लेषण करिया जे। अगला भाग लैके अतिंद्रपाल सिंह तुहाडे नाल फिर जल्द शामिल होएगा। अज इत्थे अतिंद्रपाल सिंह नू आग्या दिओ इस वीडियो नू वध तो वध बेनती इसलिए करदा शेयर करन दी, मैनू कोई पैसे दा लालच नहीं है। जे पैसे दा लालच हुंदा अज मेरा चैनल 130,000 तो उपर लोकी देखदे ने, मैनू बाकी जिहड़े चैनल ने उन्हां वाकन करोड़ां रुपईयां दीआं ऐड मिल सकदियां ने। पर मैं जे पैसे दा भुखा हुंदा ते मैं ऐड वाले पासे जांदा नहीं। मेरा ते मेरे परिवार दा निशाना है सिखां नू जागृत करना। जे ऐड लानी शुरू कर दांगे उन्हां दी अधीनता लैनी शुरू कर दांगे, उन्हां दे नैरेटिव नू फैलावांगे। नितड़क हो के तुहाडे नाल जिस वेले गल करदा ओह तां ही कर सकदा जे मैनू मेरे महाराज ने अपनी शक्ति दित्ती होई है। यही जे सॉवरनिटी दा पक्ष, इस पक्ष दा मान सत्कार करो। वध तो वध वीडियो शेयर करया करो, हर एक स्मार्टफोन तक सिखां दे तक पहुँचाया करो, इस ते कमेंट्स करया करो, इस ते छोटे छोटे क्लिप कट के जिन्हें भी लोकां तक पहुँचा सकते हो पहुँचा दिया करो। जिहड़े मैनू सलाह देंदे ने छोटी बनाओ वीडियो, मैं छोटियां बना के देख लईयां ने, एक तो बाद दूजी कोई नहीं देखदा। उन्हां सारिया भरावां नू भैणां नू हाथ जोड़ के बेनती है, तुहानू जे लंबी लगदी है एक तुसीं लंबी देख के बाकियां दी हैल्प कर दिया करो, विचों छोटे छोटे क्लिप कट के भेज दिया करो। यूट्यूब ते अपने आप कट्टे जांदे ने, तुहानू ज़्यादा मेहनत करन दी लोड़ नहीं। इन्ना तां सहयोगी बनो, इह इक अतिंद्रपाल सिंह आप इकली जंग लड़ रहा अपने परिवार नाल, इह साडी परिवार दी जंग पंथ लई हैगी है। तो उस विच इस जंग विच सीधे शामिल ना हो के अपरोख लोग पिछता तुसीं इंज शामिल हो सकते हो, शेयर करके क्लिप कट के लोगों नू प्रेर के। जिन्हां ने भी अज तक यूट्यूब चैनल C5 सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब का बटन हेठ आ रहा, इनू जरूर नपो, अते नाल ही बैल का बटन है उन्हूं नपो तां जो तुहानू नवें नोटिफिकेशन आ सकन ते मैनू आग्या दिओ। इतना समा तुसी मैनू सुनिया इसलिए मैं तुहाडे चरणा ते संगत दे चरणा ते सीस नवाउना, संगत इक्की भी सोया ते मैनू अपनी असीस
अपना आशीर्वाद देंदे रहा जे, उस दी मैनू सब तो ज़्यादा लोड़ है। आखिर सतगुरु अगे अरदास करिया जे मेरे विवेक नू होर उच्चा चुके अकाल पुरख, ते जिवें एक गुंगे ते सिर ते छड़ी रख के ओनू बौद्धिकता बख्शिश कीती सी, संगत मेरे सिर ते अपनी अरदासां दी छड़ी रख के मेरी बौद्धिकता नू जीवत रखे, नैरेटिव नू जीवत रखे, तां जो मैं गुरमत तो ना थिड़का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। C5 चैनल दर्शकों वालों दर्शकों लई आप चलाया जाता है, इसलिए आप सब दर्शकों नू बेनती है कि C5 चैनल नू वध तो वध सबसक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।